हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं ये अमेजिंग पालक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बात बता दूँ पालक के बारे में कि पालक जितना अच्छा हमारे हेल्थ के लिए है वो उतना ही अच्छा हमारे स्किन और हमारे हेयर्स के लिए भी है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो। सो गाइस, द फर्स्ट इन्ग्रीडियंट इज पालक, जो ऑब्वियसली पालक ही होगा क्योंकि इट्स अ पालक फेस पैक। यहाँ पे मैंने 15-20 पालक के पत्ते लिए हैं और उन्हें अच्छे से पानी से धो लिया है जैसे उनकी मिट्टी निकल जाए। और आप ट्राई करना कि जो पालक आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत फ्रेश और अच्छा हो। और अब हम मिक्सर ग्राइंडर का ये चटनी जार ले लेंगे और पालक के पत्तों को हाथ से ही तोड़ के उसमें डाल देंगे। अब प्लीज़ उसमें नाइफ़ मत यूज़ करना, नाइफ़ यूज़ करोगे तो पत्ते काले पड़ जाएंगे। और अब इसको 1 मिनट के लिए मिक्सर में घुमा लेंगे और एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे जैसे कि हमारी रेगुलर धनिया पुदीना की चटनी होती है। और ग्राइंड करते टाइम इसमें 1 या 1 to 2 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड करना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप रोज़ वाटर मार्केट से ख़रीद लो, और अगर नहीं ख़रीदना है तो आप इसमें रेगुलर वाटर भी यूज़ कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये बिल्कुल हमारी रेगुलर चटनी जैसी दिख रही है। तो इसे खाना नहीं है, इसे फेस पे लगाना है। और अब मैं एक क्लीन बोल ले लूँगी, ये वही बोल है जिसमें मैंने पालक धो के रखे थे। और इस बोल में मैं 1 टीस्पून पालक का पेस्ट ले लूँगी और अब इस पालक पेस्ट में मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑफ बेसन। बेसन की जगह आप यहाँ पे 1 टीस्पून चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो या गेहूँ का रेगुलर आटा भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें मुल्तानी मिट्टी यूज़ करें, ना कि बेसन या चावल का आटा। और अगर आप चाहो तो आप इसमें 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हो। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो आप ज़रूर मिक्स करना, एलोवेरा हक के हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आज के वीडियो में एलोवेरा स्किप कर रही हूँ, आपके पास हो तो आप प्लीज़ उसमें ऐड करना और फिर यूज़ करना। और पालक और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते टाइम आप एक्स्ट्रा कुछ वाटर और मत ऐड करना क्योंकि पालक ऑलरेडी बहुत लिक्विडी है। अगर आप और पानी ऐड करोगे तो बिल्कुल ही एकदम रनी कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, फेस पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और मिक्स थोड़ा अच्छे से करना है जैसे बेसन के लम्ब्स ना रह जाएँ। मिक्स इट रियली वेल एंड वोला, योर पालक फेस पैक इज़ रेडी। और इसको अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई माइल्ड फेस वॉश ही यूज़ करें या फिर आप अपना फेवरेट कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जब भी आप कोई भी फेस पैक लगाएं, चाहे पालक का हो या सादा मुल्तानी मिट्टी का या कोई भी फेस पैक, आप उसके पहले अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से क्लीन कर लें। और फेस पे अप्लाई करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक रहने दें और उसके बाद नॉर्मल टैप वाटर से फेस वॉश कर लें। और अगर आपके पास ज़्यादा थोड़ा टाइम है तो आप इसको 30 मिनट्स तक फेस पर रखें तो आप देखोगे कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको अल्टरनेटिव डे करके यूज़ कर सकते हो, यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। Bye, see you in my next video. Thanks for watching.